हेलो गाइस, आपका स्वागत है गो प्राइस इंडिया चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि पीवीसी आधार कार्ड कैसे ऑर्डर करें। जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड आधार कार्ड जो होता है, जो गवर्नमेंट देती है आपको, उसके लिए मात्र 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो वीडियो में हम आगे देखेंगे कि कैसे हम ऑर्डर करें पीवीसी आधार कार्ड, जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं। जो नॉर्मल आपको दुकान वाला, जो आप पीवीसी बनाते हो, आप किसी लोकल दुकान पर अगर जाओगे तो वो बनाते तो हैं पीवीसी आधार कार्ड, लेकिन वो उसमें सारे फीचर्स नहीं होते। अब उसका मान्यता भी रद्द कर दिया है सरकार ने। कल ही परसों में जो न्यूज़ आया था कुछ दिन पहले, उसमें बताया है सरकार ने कि ये माँ जो है वो सर्टिफाइड नहीं रहेगा। तो अब तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है ऑर्डर करना, वो मतलब जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड आधार कार्ड है। तो कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ कि अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, तो आपके पास जो पहले आधार कार्ड था, आपके पास जो वो था, जो आपके साथ इंडियन गवर्नमेंट से चिट्ठी से आया था, लेकिन आप जाते हैं फिर बनवाने तो दुकान वाला आपको बना के देता है। तो बना के देता है तो कहता है भैया पीवीसी आधार कार्ड बना दूँ और तो 50 रुपये लगेंगे या फिर 60 रुपये लगेंगे। 50 रुपये तो कोई नहीं बनाता, लेकिन वो ज़्यादा ही मांगते हैं, 60-70 या फिर 100 रुपये तक मांगते हैं। तो आप बनवा लेते हो, लगता है कि हाँ क्या है, मतलब आधार कार्ड है, पॉकेट में आ जाएगा, वॉलेट में आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। लेकिन वो आधार कार्ड अभी वैलिड है नहीं, क्योंकि ऑफिशियल गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दे दिया है कि अब ये वैलिड नहीं है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं ये जो 50 रुपये का दे रही है गवर्नमेंट, क्योंकि ये जायज़ प्राइस है। 50 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होते, और आपको वो पोस्ट कर रही है, पोस्ट करके बना के अच्छे से आधार में आपको दिखा देता हूँ। तो आधार वो कुछ ऐसा रहता है, आप देख सकते हैं, मैं डिटेल्स तो दिखा नहीं सकता, लेकिन आधार कुछ ऐसा रहता है। इसकी आप फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं ये, और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी रहते हैं। ये होलोग्राम लगा हुआ आता है, आप देख सकते हैं ये होलोग्राम जो चमक रहा है। ये आपको ये दुकान वाले नहीं देंगे, दुकान वाले तो नॉर्मल आपका आधार का वो जो फोटो लाएंगे साइड से और उसके बाद बना के दे देंगे, जो जिस पे आप फोटो बटर पेपर पे फोटो निकलता है उस पे। और साथ में इसमें एक गोस्ट इमेज भी रहता है, जो आपके पासपोर्ट पे भी रहता है, इंडियन पासपोर्ट पे। तो ये सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे नहीं नॉर्मल आधार कार्ड पे, जो दुकान वाले आपको देते हैं, जो टपरी वाले जो दुकान वाले होते हैं, जो फोटो कॉपी वाले, वो देंगे नहीं। और साथ में आपको QR कोड जैसे नॉर्मल आधार कार्ड में मिलता है, बाकी सब तो वही है, लेकिन फीचर्स बहुत है। इसमें इंग्रेविंग भी होती है एक, जो आप फील कर सकते हो छू के। तो दोस्तों बस ये आधार कार्ड बहुत अच्छा है, आपको 50 रुपये में आपके घर तक मिल रहा है, तो क्या ही बुरा है आपके लिए। तो दोस्तों आप ये ले सकते हैं आधार कार्ड, तो दोस्तों आपके आधार कार्ड ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट 50 रुपीज़ में दे रही है। क्या पता अगर इसका डिमांड बढ़ जाए तो आप गवर्नमेंट इसका प्राइस बढ़ा दे, क्योंकि अब जो ये है मैंडेटरी हो गया है कि आपको ये आधार कार्ड लेना है। अगर आप नॉर्मल पीवीसी आधार कार्ड लिए हैं, मतलब नॉर्मल जो फोटो कॉपी दुकान वाले देते हैं, वो अब वैलिड रह नहीं गया, तो आपको ये ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, जल्द से जल्द ले लें। तो चलिए हम वीडियो में आके आपको बता देते हैं कि कैसे करते हैं ऑर्डर इसे। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक कॉपी पेस्ट करना है अपने गूगल पर जाके, जो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप कर सकते हैं कॉपी पेस्ट यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो लिंक है, मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वालों के लिए दे रहा हूँ, जिनका मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है। मैं दो तरह के लिंक मिल जाएंगे आपको, एक अनरजिस्टर्ड एक रजिस्टर्ड। तो ये जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वालों का लिंक है, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने अपने आधार डिटेल्स लिख दिए, और यहाँ पर फिर ये आ रहा है इंटर अबव कैप्चा, तो कैप्चा भरवा रहा है मेरे से। तो कैप्चा भरवाने के बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर्ड है, उस पर OTP आएगा। वो OTP मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डाल दूँगा। तो OTP चलिए डाल देते हैं हम जल्दी से। तो दोस्तों OTP दबाने के बाद हम दबा देंगे लॉगिन के ऊपर, लॉगिन दबाते ही देखिए लोडिंग करने लगेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, डाउनलोड आधार के, ऑर्डर आधार, तो हमें ऑर्डर करना है इसलिए हम ऑर्डर आधार PVC दबा देंगे। तो चलिए हम इसे दबा देते हैं। तो इसे दबाते ही हमें आधार से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ मिल रही है, अपने आधार से रिलेटेड हमारे पिक्चर्स भी यहाँ देखने को मिलेगी, हमारा नाम भी यहाँ देखने को मिलेगा, हमारा डेट ऑफ बर्थ से लेके हमारा एड्रेस, साथ ही साथ हमारा जेंडर भी यहाँ देखने को मिल जाता है हमें। तो इसके बाद हम ये स्टेप आगे फिर करेंगे, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर पेमेंट का एक पोर्टल खुलता है। पेमेंट के पोर्टल खुलने पे फिर हम यहाँ पर सारे पढ़ लेते हैं अच्छे से। डियर रेसिडेंट है, मतलब ये देखिए आप दिखा रहा है 50 रुपये चार्ज लगता है GST के साथ, तो हम इस पर टिक लगा देते हैं। तो फिर मेक पेमेंट दबाते हैं, मेक पेमेंट दबाते ही देखिए यहाँ पर अब खुल जाएगा पेमेंट का पोर्टल। पेमेंट का पोर्टल खुला तो यहाँ पर पेटीएम से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो इस तरह आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा, और आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी अपने फ़ोन नंबर पे, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे।
तो दोस्तों अब मैं जो आपको लिंक बताने जा रहा हूँ वो है अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वालों का। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिंक दबाते ही हमें आ जाएगा ये फिर वापस सेम टू सेम वैसा ही, और यहाँ पर आप आधार नंबर डाल लेंगे और कैप्चा डाल लेंगे, और आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद आप क्लिक करेंगे माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन को। तो चलिए यहाँ पर टिक बनाया टिक कर लेते हैं, और आप उसके बाद डाल सकते हैं अपना कोई भी जो आपके पास अभी नंबर उपस्थित है 10 अंकों का मोबाइल नंबर आप डाल देंगे यहाँ पर। तो चलिए हम अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं, और ये डालने के बाद आप दबाएंगे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन को। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन को दबाने के बाद आपके जो नंबर जो आपने यहाँ डाला है उस पर वो ओटीपी आ जाएगा। OTP डालने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसा लिखा हुआ आएगा कि आपको कुछ डिटेल्स अभी आधार के नहीं दिखाए जाएंगे क्योंकि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप इस पर ओके दबा देंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें तो आधार ऑर्डर करना है, हमें आधार के डिटेल्स जानने भी नहीं है, तो हम ओके दबा देंगे इस पर। तो ओके चलिए हम दबा लेते हैं, तो हमने ओके दबा दिया। तो दोस्तों इसके बाद से सारा प्रोसेस सेम टू सेम है। इसके बाद फिर वापस पेमेंट पोर्टल खुलेगा और आप फिर आराम से वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं और ट्रैकिंग आईडी अपने नंबर पे पा सकते हैं, और ये आपको डिलीवर हो जाएगा 5 से 10 दिनों में, या फिर वेरी भी करता है अगर आप गांव में रहते हैं तो 12-1 महीना भी लग सकता है आपको। तो आप इंतज़ार करें दोस्तों। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और देखते रहें हमारे चैनल को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय।